हेलो गाइस, टेक टेल चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ, जब भी आप अपने लैपटॉप पे जो है चार्जर प्लग कर रहे हैं, तो जैसे आप प्लग कर रहे हैं, आपके जो लैपटॉप का माउस पैड रहता है, ट्रैक पैड, वो वर्क कर नहीं कर रहा है या फिर स्लो वर्क कर रहा है। ठीक है, तो इस प्रॉब्लम, इस इश्यू को जो है कैसे फिक्स करते हैं, इस वीडियो में हम जो है सीखने वाले हैं। एक्चुअली वीडियो में हमारे किसी एक सब्सक्राइबर के लिए बना रहा हूँ। कोई एक सब्सक्राइबर यही प्रॉब्लम, यही इश्यू कई दिनों से फेस कर रहा है, तो आप भी इस वीडियो को लास्ट तक वॉच कीजिए, हो सकता है ये वीडियो की मदद से आपका प्रॉब्लम फिक्स हो जाएगा। ठीक है, पहले कुछ बेसिक से मेथड्स हैं, मैं आपको वो बताऊंगा। तो जो भी आप चार्जर यूज़ कर रहे हैं, वो आपका लैपटॉप का ही चार्जर है या नहीं, वो आपको जो है चेक करना है, या फिर अगर आपके चार्जर में कोई डैमेज वगैरह या फिर कोई लूज कनेक्शन है, वो भी आपको जो है अच्छी तरीके से चेक करना है। उसके बाद आपका जो ट्रैक पैड रहता है, वो भी आपको चेक करना है। आपके लैपटॉप का जो माउस पैड रहता है, अगर वो डैमेज वगैरह भी हो गया, तो उस समय भी आप इस तरह के कोई इश्यू वगैरह फेस कर सकते हैं। अगर ये सारी चीज़ें आपके पास जो है सही है, अच्छी तरीके से है, उसके बावजूद अगर आप ये प्रॉब्लम इश्यू फेस कर रहे हैं, अब कुछ बेसिक से आपके लैपटॉप में सेटिंग्स हैं, ट्रबल शूट है, वो मेथड्स आप जो है ट्राई कीजिए, देखिए इससे आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। सबसे पहले अपना जो विंडोज़ है वो आपको रिस्टार्ट करना है। रिस्टार्ट करने के बाद विंडोज सेटिंग्स को ओपन करना है। विंडोज़ सेटिंग्स ओपन करने के बाद दोस्तों, आपको जाना है विंडोज़ अपडेट में। अगर आपने अपने लैपटॉप को अपडेट नहीं किया, तो यहाँ से आप इसको जो है अपडेट कर सकते हैं। चेक फॉर अपडेट्स पे जाके उसको जो है अपडेट कीजिए। ठीक है, अपडेट करने के बाद देखिए आपका प्रॉब्लम हो सकता है इससे सॉल्व हो जाएगा। अगर इनकेस ये भी प्रॉब्लम इश्यू सॉल्व नहीं हो रहा, तो उस समय आप अपने जो ड्राइवर्स रहते हैं, वो आपको अपडेट करना है या फिर उसको रीइंस्टॉल कर लेना है। तो इसको करने के लिए आपको जो है डिवाइस मैनेजर को ओपन करना पड़ेगा। तो अपने पीसी में डिवाइस मैनेजर को ओपन कीजिए इस तरीके से। डिवाइस मैनेजर ओपन होने के बाद अब यहाँ पे आपको एक्सटेंड करना है फाइल एंड अदर पॉइंटिंग डिवाइसेस, इसको आपको जो है यहाँ पे एक्सटेंड कर लेना है इस तरीके से। ठीक है, और जो भी आपके टचपैड का ड्राइवर्स है, वो आपको जो है अपडेट करना है। तो जैसे कि मेरा लैपटॉप डेल का है, तो डेल टचपैड पे मैं राइट क्लिक करूँगा, अपडेट ड्राइवर पे जाऊँगा। यहाँ पे आपको दो ऑप्शन मिलेंगे, सर्च ऑटोमेटिकली फॉर ड्राइवर और ब्रोज माय कंप्यूटर फॉर ड्राइवर। तो दोनों ऑप्शन एक एक करके ट्राई कीजिए। अगर आप ऑनलाइन करेंगे, तो आपको यही यहाँ पे कहेगा कि आपका विंडोज़ अपडेट कीजिए। ठीक है, तो आपने विंडोज़ को पहले ही अपडेट किया है, तो हम जो है अब सेकेंड ऑप्शन ट्राई करेंगे, ब्रोज माय कंप्यूटर फॉर ड्राइवर। उसके बाद लेट मी पिक फ्रॉम ए लिस्ट ऑफ अवेलेबल ड्राइवर, उस पर क्लिक कीजिए, और जो भी आपके यहाँ पे ड्राइवर शो करेंगे, इस पर सेलेक्ट कीजिए उसको, और नेक्स्ट पे क्लिक कीजिए, और ऑन स्क्रीन प्रोसेस फॉलो करके इसको इंस्टॉल कीजिए। ठीक है, इंस्टॉल करने के बाद आपको एक मतलब आपका लैपटॉप रीस्टार्ट करने को पूछेगा। आपको कंपलसरी आपका लैपटॉप आपको रीस्टार्ट करना पड़ेगा। ठीक है, रीस्टार्ट करने के बाद ही ये जो है अपडेट होगा। तो उसके बाद आपका प्रॉब्लम देखिए इससे हो सकता है सॉल्व हो जाएगा। अगर इनकेस ये भी मेथड वर्क नहीं कर रहा है, तो ये मेथड आप ट्राई कीजिए। विंडोज़ की प्रेस कीजिए, यहाँ पे आपको जो है सर्च करना है टच पैड, और यहाँ से जो है टच पैड सेटिंग्स को ओपन कीजिए इस तरीके से। ठीक है, उसके बाद जाइए मोर टच पैड सेटिंग्स में, और यहाँ पे इसकी सेटिंग्स वगैरह आपको जो है चेक कर लेना है। तो डेल टच पैड है, बटन्स में जाइए, और ये जो सारी सेटिंग्स रहती है दोस्तों, जैसे कि मेरे स्क्रीन पे जो जो भी ऑप्शन इनेबल है उसको इनेबल कीजिए, जो डिसेबल है उसको यहाँ से आपको डिसेबल कर लेना है। ठीक है, मैं आपको सारे ऑप्शन स्टेप बाय स्टेप करके यहाँ पे शो कर रहा हूँ, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद लास्ट में आपको जो है आपके जो भी टच पैड की जो सेटिंग्स रहती है वो आपको ओपन करना है। क्लिक टू चेंज दी टच पैड सेटिंग्स, और आपके ऑफिशियल जो आपके टच पैड की सेटिंग्स रहती है वो सारे यहाँ पे आपको जो है मिल जाएंगे। तो यहाँ पे भी इसकी सेटिंग्स जो है आप एडजस्ट कर सकते हैं, या फिर आप जो है इसको यहाँ से रीसेट टू डिफॉल्ट भी आपके हिसाब से कर सकते हैं। ठीक है, तो ये भी एक ऑप्शन मेथड आप ट्राई कर सकते हैं। उसके बाद इसको क्लोज कीजिए, इसको भी क्लोज कीजिए, और अपनी सेटिंग्स को भी क्लोज कीजिए। और अब लास्ट में आपको जो है क्या करना है, आपका जो फाइल एक्सप्लोरर रहता है वो आपको रिस्टार्ट करना है। तो उसको रिस्टार्ट करने के लिए आपको जो है टास्क मैनेजर को ओपन करना पड़ेगा। तो टास्क मैनेजर को ओपन करने के लिए शॉर्टकट की यूज़ कीजिए, कंट्रोल की, शिफ्ट की होल्ड कीजिए, एस्केप बटन प्रेस कीजिए। ठीक है, आप यहाँ पे सर्च कीजिए विंडोज़ एक्सप्लोरर, उस पर राइट क्लिक कीजिए और रिस्टार्ट क्लिक कीजिए। ठीक है, उस पर क्लिक करने के बाद आपका जो फाइल एक्सप्लोरर है रिस्टार्ट होगा। उसके बाद आपका जो
इश्यू है 100% अब सॉल्व हो जाएगा। तो ये कुछ इजी और सिंपल सॉल्यूशन इसको फिक्स करने के लिए, ठीक है। तो कमेंट सेक्शन में बताइए आपके पास कौन सा वाला मेथड वर्क किया है। अगर इससे भी बेहतर मेथड सॉल्यूशंस आपके पास है तो वो भी कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिए ताकि दूसरे लोगों को भी हेल्पफुल हो जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।